और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, विधानसभा में शराब कांड पर आज भी हंगामा, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया है और अब बीजेपी का कहना है कि पहले भी पीड़ितों को मुआवजा मिला था और अब भी पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। विधानसभा में शराब कांड पर आज भी हंगामा और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 83 अब संख्या हो चुकी है बिहार में। आपको बता दें कि 75 छपरा में और इसके अलावा सिवान में 6, बेगूसराय में 2 मौत हो चुकी हैं और अब बीजेपी हल्ला बोल है। बीजेपी का कहना है कि मुआवजा दिया जाए, जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि मुआवजा नहीं देना है। वक्त की आपको बता दें, विधानसभा में शराब कांड पर आज भी हंगामा देखने को मिलेगा और विपक्ष यानी कि बीजेपी का कहना है पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। पटना के आवास परिवार के साथ घाट पार एवं जनता संवाद करने लगे। इस घटना के सामने बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 735 18 दर्ज किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटना जिला संख्या 45/22/18 तक संबंधी ज्ञापन 13/24 लाखों दिनांक 4/11/28 के द्वारा कुल 158 पुलिसी सिपाही होने में अयोग्य सेवा समाप्त की गई। पुलिस महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र पटना के ज्ञापन 40/22 दिनांक 4/11/18 के द्वारा घटना में संलिप्त प्रशिक्षु सिपाहियों के अलावा अन्य 4 सेवा को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार 45/22/2018 तदनुसार ज्ञापन 13/25 दिनांक 4/11/28 के द्वारा कुल 4 अस्थायी पुलिस कर्मियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया। CWD से जांच संख्या के द्वारा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।